तो ये है दोस्तों पोको का C51 ब्लू कलर वाला, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसका बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं चैनल के ऊपर, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ये 4G 64G वाला वेरियंट है और बाकी डिटेल्स मैं अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया हूँ और इसका ओटी टेस्ट भी आ चुका है, अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करें इसके UI के बारे में। बेसिकली अगर आप पहली बार फोन को यूज कर रहे हैं तो क्या कुछ सेटिंग में देखने को मिलता है, किस तरह यूज करेंगे, जो पहली बार फोन को यूज करते हैं उनके लिए वीडियो है। तो अभी से बता देता हूँ कि जिन लोगों को पता है वो ये वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, और जिन लोगों को जानना है कि फोन को कैसे यूज करना है, उसका UI में क्या कुछ देखने को मिलता है, सेटिंग में क्या कुछ देखने को मिलता है, इन सब के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, वो लोग देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे बताया कि दोस्तों ये है पोको C51 और आज हम बात करेंगे इसका UI के बारे में, सेटिंग के बारे में। तो सबसे पहले शुरू कैसे करेंगे, जैसे बाकी फोन को हम शुरू करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, होम सेटिंग एंड वॉलपेपर स्टाइल। वॉलपेपर स्टाइल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप बेसिकली वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे हम बैक कर देते हैं, क्योंकि अभी हमको जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल था वही वाला मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। बैक करते हैं और बैक और एक बार जाते हैं। अब होम सेटिंग में आपको क्या ऑप्शन मिलता है उसके बारे में बात करें, तो यहाँ पे मिल जाता है नोटिफिकेशन का मोड और उसके बाद ऐड ऐप आइकॉन टू होम स्क्रीन, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप होम स्क्रीन जो है उसमें कुछ ऐप ऐड करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर ये रेडमी का या फिर पोको का जो उनका UI आता है उसमें आता है तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन क्योंकि ये एंड्रॉइड गो एडिशन पे चल रहा है, एंड्रॉइड 13 गो एडिशन और स्टॉक एंड्रॉइड पे चल रहा है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और जाते हैं हम सेटिंग के तरफ। सेटिंग में आपको क्या कुछ मिलता है वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम जाते हैं सेटिंग में, कहाँ गया सेटिंग, तो यहाँ पे ये सेटिंग। अब सेटिंग में आपको क्या कुछ मिलता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे सिस्टम ऐप अपडेटर, तो अगर ऐप का कुछ अपडेट है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये जो है ये है नेटवर्क और इंटरनेट, यहाँ पे आप वाईफाई वगैरह वो आपको मिल जाएगा, मोबाइल वाईफाई वगैरह। ये मैं अगर 4G वोल्टेज टेस्ट करूँगा तो उसमें भी बता दूंगा आपको, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब बैक करते हैं और जाते हैं यहाँ पे कनेक्शन डिवाइस में, इसमें क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप ब्लूटूथ जो कनेक्ट करते हैं या TWS हो गया यानी कि एयरपॉड्स वगैरह हो गया, वो अगर आप यूज करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जाते हैं तो ऐप का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आप देख सकते हैं ऐप आप रख सकते हैं। यहाँ पे थीम्स आप दिखा रहा है, गूगल प्ले स्टोर दिखा रहा है, क्रोम, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बेसिकली जो ऐप आप रखे हैं उसको परमिशन देना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, कौन से ऐप को कितना तक परमिशन देना है, यानी कि किसके लिए कैमरा एक्सेस चाहिए, किसके लिए कॉन्टैक्ट एक्सेस चाहिए, ये सब ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और नोटिफिकेशन में आपको क्या कुछ मिलता है, तो ऐप सेटिंग मिल जाता है यहाँ पे, कौन से ऐप का नोटिफिकेशन आप देखना चाहते हैं। मान लीजिए आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद बाकी ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब ऑफ है इसको ऑन कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन, वो भी आप देख सकते हैं, मतलब जो भी ऐप का नोटिफिकेशन आया होगा उस ऐप के ऊपर एक डॉट पड़ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा बेसिकली कि हाँ इस ऐप में कुछ नोटिफिकेशन है जो कि आप वहाँ पे देख सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद आते हैं बैटरी, बैटरी में अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी कितना परसेंटेज है, बैटरी सेवर ऑन ऑफ कर सकते हैं आप यहाँ पे आप आके। उसके बाद बैटरी यूजेस को भी आप चेक कर सकते हैं, और उसका जो मुझे अच्छा लगता है वो है यहाँ पे अभी के लिए आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अभी कुछ बैटरी नहीं बता रहा है, सिर्फ आइकॉन में बता रहा है लेकिन परसेंटेज हिसाब से नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो है इसको हम ऑन कर देंगे और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे परसेंटेज भी दिखा रहे हैं, और अभी ये बंद हो गया, अभी ये ऑन हो गया। तो ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन से आप यहाँ पे ये सब कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ऑन ही रखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये वाला ऑप्शन। उसके बाद बैटरी के बाद हम जाते हैं नीचे स्टोरेज में, स्टोरेज में आपको क्या कुछ ऑप्शन मिलता है वो भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये मैं अनबॉक्सिंग के टाइम में दिखा दिया था कि ऐप कितना रखा गया है, क्या कुछ यूज हुआ है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद साउंड वाइब्रेशन, बेसिकली यहाँ पे रिंगटोन वगैरह सेट करना है तो वो आप कर सकते हैं, अलार्म टोन सेट करना है वो भी कर सकते हैं, और साउंड को आप यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जिसको जितना साउंड रखना है वो आप बेसिकली यहाँ पे कर सकते हैं।
तो ये सब साइलेंट मोड को भी ऑन कर सकते हैं, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपको क्यों स्टॉक एंडेड है यहाँ पे दिया गया है, तो ज़्यादा आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ब्राइटनेस लेवल, एक्टिव ब्राइटनेस। एक्टिव ब्राइटनेस क्या है, बेसिकली बाकी फ़ोन में ऑटो ब्राइटनेस होता है, यानी कि अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो सनलाइट में जाएंगे तो अपने हिसाब से वो सेट करेगा, डार्क में आएंगे तो अपने हिसाब से सेट करेगा। तो बेसिकली वो आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलता है जो कि यहाँ पर एडिप्टिव लिखा हुआ है, और रेडमी के बाकी फ़ोन में या फिर रियलमी के फ़ोन में वो आपको मिल जाता है ऑटो ब्राइटनेस के नाम से, तो वो आपको मिल जाता है। लॉक स्क्रीन यहाँ पर आपको दिया गया है, वो आप कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम आउट, कितना टाइम के लिए अगर आप फोन यूज नहीं करें तो स्क्रीन ऑन रहे, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो है ये डार्क थीम, ये आपको यहाँ पे देखने में मिल जाता है। बेसिकली इसका काम यही है जो अभी आप देखे, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है नहीं कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट, यानी कि अगर आपको जो डिस्प्ले का साइज है वो छोटा बड़ा करना है तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं ये रख देता हूँ, और ये आप इस तरह से कुछ सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद बोल्ड टेक्स्ट अगर रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं, इस तरह कर देंगे तो ये देखिए खुद वो कुछ चेंज हो गया, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया आपका डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट। उसके बाद आता है नाइट लाइट, अगर रात में आप देख रहे हैं तो आपके आई के ऊपर स्ट्रेस होता है तो उसके लिए ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, येलो स्क्रीन हो जाता है। बेसिकली जो व्हाइट रहता है वो थोड़ा येलोइश हो जाता है, तो वो आपको मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद आउटडोर मोड दिया गया है, लिफ्ट वेकअप। बेसिकली अगर आप फोन को ऐसे ऐसे ऊपर करेंगे तो फोन अगर आप बंद होगा तो वो ऑन हो जाएगा, वो ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सब ऑप्शन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं थीम की तरफ, थीम में आपको क्या कुछ मिलता है। तो बेसिकली थीम में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, वही जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया था वो आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलता है, ये आप देख सकते हैं। सिलेटो टॉक टू बैक, ये आपको डिस्प्ले साइज इंडेक्स बेसिकली जो वहाँ पर दिया गया था वो आपको मिल जाता है, यानी कि डिस्प्ले में जो आपको मिल रहा था वो भी आपको यहाँ पर इस बार देखने को मिल जाता है। तो स्विच एसेस, टाइमिंग कंट्रोल, ये सब आपको सिस्टम कंट्रोल, वाइब्रेशन मोड, ये सब आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि शॉर्टकट अगर मैनेज करना है तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। फाइंड माई डिवाइस अगर ऑन नहीं है, ये तो बेसिकली ऑन ही होता है बाय डिफॉल्ट, अगर ऑन नहीं है तो ऑन कर देना, ये एक जरूरी चीज़ रहता है। और स्मार्ट लॉक पैटर्न वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, फिंगरप्रिंट वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है। मान लीजिए अगर फिंगरप्रिंट स्टार्टिंग में सेट नहीं किया है तो यहाँ पे सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ पे फिंगरप्रिंट में जाना है, और यहाँ पे जो भी आप पैटर्न दिए होंगे वो आपको जाना है, और ऐड फिंगरप्रिंट आप यहाँ पे कर सकते हैं और आपका फिंगरप्रिंट दे सकते हैं। और उसी तरह स्क्रीन लॉक, मान लीजिए आप यहाँ पे पैटर्न नहीं दिए हैं और कुछ नंबर वाला है तो आप आगे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तो वो आपको सिक्योरिटी में देखने को मिल जाता है। उसके बाद प्रिवेसी, प्रिवेसी में आपको कैमरा एक्सेस वगैरह और ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे ऑप्शन देखने का नहीं है। उसके बाद आता है पासवर्ड एंड अकाउंट, वो आपको उतना जरूरत जानने का नहीं है। उसके बाद डिजिटल वॉल्यूमिंग या पेरेंटल कंट्रोल, इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर आप किसको फ़ोन दिए तो कितना क्या कुछ यूज हो रहा है वो आपको यहाँ पे टोटल पता चल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग में ज़्यादा टाइम आ गया, क्योंकि उतना टाइम से मैं सेटिंग के बारे में बता रहा हूँ, तो वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, क्रोम बता रहा है, यहाँ पे प्ले स्टोर बता रहा है, ये सब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। बेसिकली आपको टोटल पता चल जाता है कि आप कितना यूज कर रहे हैं और कितना एक्सेस किसको देना चाहते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आता है गूगल, उसके बाद सिस्टम, और उसके बाद अबाउट। अबाउट फोन आपको अनबॉक्सिंग के वीडियो में दिखा देता, सिस्टम आखिर में मैं दिखा देता हूँ क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है लैंग्वेज इनपुट, बेसिकली अगर आप लैंग्वेज रीजन ये सब चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप प्ले स्टोर से अच्छा वाला कीबोर्ड आपको पसंद है वो डाउनलोड किए हैं तो यहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आके वो वाला कीबोर्ड यहाँ पे दिखा देगा, आप उसको ऑन करेंगे तो वो यूज में हो सकता है, नहीं तो यूज नहीं होगा। प्ले स्टोर से इंस्टॉल तो हो जाएगा लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आना है, यहाँ पे वो मेंशन हो जाएगा, आप उसको ऑन कर देना, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आप कीबोर्ड को यूज में ला सकते हैं, तो वो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। और बाकी ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद रीजन, जैसे बताया कि रीजन आपको कौन सा देश चूज करना है वो आप चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जेस्चर कंट्रोल में यहाँ पे क्विक कैमरा ओपन करने के लिए वो भी ऑप्शन मिल जाता है, सिस्टम नेविगेशन के लिए वो भी मिल जाता है। वन हैंड मोड अगर आप चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाता है, बेसिकली यहाँ पे छोटा सा स्क्रीन हो जाएगा वन हैंड मोड के लिए, वो आपको यहाँ पे
मिल जाता है। और यहाँ पे ये जो है जेस्चर कंट्रोल 3 बटन, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये जो नीचे बटन है 3, इसके लिए ये दिया गया है। अगर आपको जेस्चर मोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे आईफोन वगैरह में होता है उसी तरह हो जाएगा। और सबसे ईजी यही है, 3 बटन वाला बैग आगे जाना है, समझ में आता है। जेस्चर करेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा, हाँ ऊपर जाएंगे तो बैग जाएगा, ऐसा जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ रखता हूँ। अगर आपको पसंद है तो जेस्चर कंट्रोल भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब जाते हैं हम बैक, उसके बाद प्रेस एंड होल्ड पावर बटन, ये सब ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मेमोरी एक्सटेंशन भी आता है जो कि आजकल फोन में मिल रहा है, यानी कि वर्चुअल रैम जो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मेमोरी आप एक्सटेंशन करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए 1 GB, यानी कि मेरा टोटल 4 GB है, उसके साथ साथ यहाँ पे 1 GB एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, तो फिलहाल 5 GB रैम में ये चल रहा है। आप चाहें तो उसको बढ़ा के 4 GB उसका फिजिकल वाला है और वर्चुअल वाला 3 GB तक बढ़ा सकते हैं, यानी टोटल 7 GB रैम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कहाँ पे मिलता है, तो सिस्टम में आना है और मेमोरी एक्सटेंशन में आप जाके यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद बैकअप है, उसके बाद सिस्टम अपडेट है और रिसेट ऑप्शन, यानी कि फॉर्मेट करना है तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। और सॉफ्टवेयर अपडेट क्या है, यहाँ पे कोई नया वाला आएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब अगर आपको एंड्रॉइड 13 के बाद एंड्रॉइड 14 का अपडेट आता है या फिर कोई सिक्योरिटी पैच भी आता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये था दोस्तों जो पोको का C51 है उसका UI का कहानी, इतना सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट कैसे लेना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। सिंपल यहाँ पे आपको जो बटन है दोनों, वॉल्यूम का नीचे वाला और पावर बटन एक साथ दबाना है, स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कुछ इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होता है लेकिन कुछ लोगों को ये भी पता नहीं होता है, इसीलिए मैं पूरा A to Z आपको बताया। तो स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं वो आपको पता हो गया। अब इसमें क्लियर कैसे करना है, जी हाँ, अगर ये जो आप ऐप ऑन करते हैं तो वो रह जाता है पीछे, तो क्लियर कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे टच करना है और यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही नॉर्मल कुछ चीज़ें थी वो भी मैं बता दिया। और आखिर में ऊपर में यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलता है उसको एडिट करना है। ये देखिए, ये जो ऑप्शन आपको मिल रहा है उसको कैसे एडिट करना है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ से कुछ दूसरा चीज़ आपको ऊपर लेना है नीचे लेना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होल्ड एंड ट्रैक। तो मान लीजिए अब मुझे ये नियर बाय शेयरिंग ये यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से जाता हूँ इसको और नीचे ले आता हूँ। अब ये यहाँ पे दिखाएगा नहीं, तो कुछ इस प्रकार से ये काम करता है। तो नोटिस सेंटर में अगर आपको कुछ एडिट करना है तो सिंपली आना है और यहाँ पे देखिए एक पेंसिल का चीज़ दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो आप उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन सेंटर को आप यूज में ला सकते हैं। तो बस दोस्तों जुड़े रहे और आई होप आपको पता चल गया कि इस फोन को कैसे यूज में लाना है, इसका सेटिंग किस तरह यूज करना है, इसका नोटिफिकेशन सेंटर को किस तरह यूज करना है। टोटल आपको अगर फोन पहली बार यूज करें तो किस तरह यूज करना है, क्या कुछ करना है, सब डाउट क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आसानी से आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर देना और ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देखें टेक बंडी यूट्यूब चैनल, मैं अमिताभ पर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।